हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बिजलू टेक को। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो सैमसंग का स्मार्टफोन है सैमसंग गलेक्सी F52, वो इंडिया में 17 मार्च को लॉन्च होने वाला है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और बताएंगे उसकी प्राइस और फीचर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते रहिए मेरे वीडियो को। तो चलिए पहले वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको डिस्प्ले 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो सुपर एमोलेड के साथ आता है। और यह बेजरलेस है जिसमें आपको केवल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा बीच में, जिसमें आपको वो कैमरा फिट रहता है। और इसकी एस्पेक्टेड रेशियो की बात करें तो 20:9 है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्स के साथ आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की और बात करते हैं इसके जो डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन जो है इसकी जो हाइट है वो 159.9 mm की हाइट है और इसकी जो थिकनेस है वो 8.4 mm की थिकनेस है। और इसकी वेट की बात करें तो ये लगभग फ़ोन आपको 187 ग्राम के आसपास ये फ़ोन है। और कलर आपको ये ब्लू और ब्लैक और वाइट कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक बात है वो है फ़ोन का वाटर प्रूफ होना। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको वाटर रेजिस्टेंस यानी IP67 की रेटिंग दी गई है। इस फ़ोन को आप चाहे तो पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। जो कैमरा आपको दिया गया है वो क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें आपको 4 कैमरा आता है। जो मेन कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और 12 मेगापिक्सल कैमरा आपको वाइड एंगल के लिए दिया गया है। फिर उसमें 5+5 मेगापिक्सल का 2 कैमरा और दिया गया है। और इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है सेल्फी के लिए। इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि आप किसी भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं तो वो ज़्यादा हिलेगा नहीं, वो एडजस्ट कर लेगा। और चलिए अब बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो जो बताते हैं कि इसमें आपको स्टोरेज 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज दी गई है। आप चाहे तो अपने मेमोरी कार्ड से इसको 1 TB तक बढ़ा भी सकते हैं। तो आप नेक्स्ट चलते हैं इसके बैटरी की ओर। तो इसमें आपको 4500 mAh की लंबी बैटरी दी गई है जो 25 वाट फास्ट चार्जर के साथ आता है। और इसमें आपको USB Type-C और 3.5 mm जैक दोनों देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको डिस्प्ले पर ही देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। जो इसमें आपको परफॉर्मेंस है वो Snapdragon 720G का प्रोसेसर दिया गया है। और इसमें आपको बात करें ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स Adreno 618 का ग्राफिक्स दिया गया है। और रैम का तो पता ही है आपको, RAM 6 GB की रैम दी गई है। मोबाइल के जो बेसिक्स है उसे जान लेते हैं। तो इसमें आपको रैम जो मिलेगी वो 6 GB की और इंटरनल मेमोरी 128 GB की मिलेगी। इसमें आपको प्रोसेसर जो दिया गया है वो Snapdragon 720G का प्रोसेसर दिया गया है। और इसमें जो रियर कैमरा है वो 64+12+5+5 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की लंबी बैटरी दी गई है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। और ये फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ भी आता है। तो इस फ़ोन को आप चाहे तो पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फ़ोन की लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये फ़ोन आपको लगभग 17 मार्च 2021 को लॉन्च हो जाएगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 25 से 26 हज़ार के आसपास में ये फ़ोन आपका आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।